रोज रात को जाता हूँ ये पोस्टपोन वाली वीडियोस देखता हूँ, और मैं इसलिए देखता हूँ कि बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं बच्चों के कमेंट्स उनकी मेंटेलिटी चेक करने के लिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट यार अभी संभल जाओ, जितने दिन बचे हुए हैं इनमें संभल जाओ यार, है ना, क्योंकि लगभग ऑफिशियली बोल दिया गया है कि नीट 2022 पोस्टपोन नहीं होने वाला है ना। और रीजन उसका क्या दिया गया है कि जब भी एग्जाम आता है तो बच्चों में एंजाइटी होना है ना होती ही है, तो हर बार ये होता है कि पोस्टपोन कर दो। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कमेंट्स में, लंबे लंबे कमेंट्स लिखेंगे कि ये गलत हुआ है, ये गलत हो रहा है ना, सरकार गलत कर रही है। तो मैं ये बोलूंगा ठीक है, गलत कर रही है, सही कर रही है, जो भी कर रही है, पर मुद्दे की बात ये है, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करता हूं ना, इमोशंस में फंसने का टाइम नहीं है अपने पास। प्रैक्टिकल बात ये है, 17 जुलाई को एग्जाम है, वहां पे अपने नंबर कितने आने वाले हैं, ये है एक मुद्दे की बात। ठीक है, तो यार फिर से आपके सामने रिक्वेस्ट है, अपने सब्जेक्ट पे आ जाओ, ये सबको छोड़ दो, है ना, कि लंबे लंबे कमेंट करने सही गलत सब छोड़ दो यार, एक बार सब्जेक्ट पे आ जाओ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उस पर आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर कैंपेन करते हैं पोस्टपोन कराने के लिए, मैं पहले भी ये बात बोल रहा था, किसी को किसी बच्चे की नहीं पड़ी है, मैं रोज रात को जाता हूँ ये पोस्टपोन वाली वीडियोस देखता हूँ, और मैं किस लिए देखता हूँ कि बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं बच्चों के कमेंट्स उनकी मेंटेलिटी चेक करने के लिए। और मेरे को वही याद आ जाता है कि कैसे मैं फंसा हुआ था नीट पोस्टपोन वाले में 2016 में, ऐसे ही कमेंट करता था मैं इस तरीके के लंबे लंबे इमोशन, तो मेरे को ना यार वो दुखी वाली कंडीशन हो जाती है यार, बच्चे है ना ऐसे बोल देते हैं कि हाँ एक बार 5 मिनट के लिए ट्वीट कर देना फिर आप पढ़ते रहना, तुमने तो बोल दिया 5 मिनट के लिए ट्वीट करते रहना, पर क्या बच्चा वो कर पाता है कि 5 मिनट के लिए ट्वीट किया और फिर वो है ना बैक टू स्टडीज आ जाए और पढ़ता रहे, नहीं, मेंटल स्टेट है ना हिल जाती है, होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने एक उम्मीद पकड़ा दी ना, उम्मीद थी ही नहीं असल में, पर आपने एक उम्मीद पकड़ा दी, है ना। और देखो अब मैं सच्चाई बताता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, व्यूज के लिए होता है, अपनी प्रमोशन के लिए होता है, अगर मैं नीट पोस्टपोन की मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं कैंपेन करवाऊंगा ट्विटर पे, तो उस वीडियो में क्या काम है मैं अपने नोट्स के बारे में बताऊँ, है ना, क्या काम है मैं अपने ऐप के बारे में बताऊँ कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें तो काम ही नहीं है ना कोई, ट्विटर कैंपेन करवाऊँ मैं अपने ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूँ उसमें, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये कोड डाल देना ये टेस्ट सीरीज, तो पोस्टपोन वाली वीडियो में इन सब का तो काम नहीं होना चाहिए ना टेक्निकली, तो ये आपको समझना पड़ेगा यार, है ना। मैं फिर से वो बोलूं, लंबे लंबे कमेंट देख के मन दुखी होता है, तो अभी भी है ना, कोई किसी के चक्कर में मत पड़ो, सब अपना है ना, सब अपने को आगे बढ़ाने लगे हुए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, पर आप अपने को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप इमोशन में फंस के, मैं थोड़ा सा इसमें इमोशन, ये गेम ऐसा यार इमोशनल हो जाता हूं कि जिन्होंने ये पोस्टपोन वाला मेंटली झेला नहीं है ना, वो भी अपना लगे हुए हैं, और टाइटल ऐसा, थंबनेल ऐसा, तो यार अभी लास्ट है ना, 17 जुलाई को अपना पेपर होगा, दिमाग में है ना एकदम फिक्स कर लो और उस हिसाब से अपना रिवीजन करो, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बहुत कुछ है। ठीक है, फिर से वही है, अब कई ऑफेंड हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे, मेरे को पता है इस वीडियो से, पर क्या ही कर सकता हूँ मैं। ठीक है, पर आपको समझना पड़ेगा ये सच्चाई है ना, सच्चाई, और क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।